यार हेलो जी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी आवाज़ें आ रही है क्या आप लोगों को। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके चलिए, ओके तो मेरी आवाज़ें सभी को एकदम क्लियर आती होगी। तो सबसे पहला सभी को प्यारा भरा गुड वाला मॉर्निंग यार, प्यारा भरा गुड वाला मॉर्निंग यार। सो एम आई ऑडिबल क्या? एम आई ऑडिबल बच्चों? आइए। ओके चलिए चलिए चलिए। ओके तो आर यू गाइस रेडी? होप सो कि सभी लोग तैयार हो गए रहोगे। रेडी हो? यस। हमारे देवी देवता अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार सभी लोग को आ जाने दो। चलो सब धीरे धीरे आएंगे, अभी क्या करेंगे, सब अपने मन के राज एकदम मालिक लोग हैं। ओके एनिमल किंगडम में आप सभी का स्वागत है और मेगा क्विज है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग क्या करने वाले हैं इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग ये सेशन बिगिन करते हैं। और ज़िंदगी में हरदम याद रखना भैया, तुम्हारे ज़िंदगी में होने वाली हर वो चीज़, जो भी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में हो रहे हो उसके रिस्पॉन्सिबल तुम खुद हो। ओके मुझको डर लग रहा है, मुझको पढ़ने का मन नहीं कर रहा भाई। तूने पहले आज से 6 महीने पहले तूने एंजॉय भी तो किया है, वो भी तो देख। ओके तो लाइफ में होने वाली हर वो चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं जी। ओके चलिए आइए सो बिगिन करते यार। पहला सवाल, दैट इज नॉट ए मैमेलियन कैरेक्टर। मैमेलियन कैरेक्टर कौन सा नहीं है? मस्कुलर डायफ्राम, हेयरी स्किन, थ्री चैम्बर हार्ट या आरबीसी न्यूक्लियेटेड? तो ये बात है कि मेरा थ्री चैम्बर हार्ट नहीं है भैया, क्योंकि मैमेलियन कैरेक्टर में क्या होता है, फोर चैम्बर हार्ट होता है। क्या फोर चैम्बर हार्ट होता है? क्या बात है यार। चलिए आइए अगला। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल मेंटेन दी हाई एंड कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर सच एज द मैमल्स? सो कौन है वो? क्लास एव्स है, क्लास एव्स वाले हैं, उनको अपन बर्ड्स कहते हैं। क्या बात क्लियर है क्या? अगला, डैश एनिमल डज नॉट हैव द बॉडी कंपोज ऑफ मैनी सेगमेंट। कौन है जो कि बॉडी के मैनी सेगमेंट से नहीं मिलके बना है? वो है फ्लैट वॉर्म्स, प्लैटीहेलमिंथाइसिस है क्या? और लबस्टर हो गया, ये अर्थवर्म हो गया, ग्रास कॉपर हो गया। जैसे कि ये तो एनालिडा है, ये तो मेरा आर्थ्रोपोडा है। ओके तो इन सभी के अंदर सेगमेंटेशन देखने को मिलता है हम लोगों को। अगला अगला क्या बोल रहे? चलो ग्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू टेरिस्ट्रियल एनिमल? ट्रू टेरिस्ट्रियल एनिमल जल्दी बताइए, जल्द ट्रू टेरिस्ट्रियल एनिमल, ये मैंने पहले भी करवाया। आइए क्या ट्रोटॉइज है क्या? ये ट्रू मेरा टेरिस्ट्रियल एनिमल है जी। ओके अगला, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फाउंड इन पॉरीफेरा, बिकॉज पॉरीफेरा में क्या है? ये तो खुद ही सेलर लेवल है, ये तो खुद ही सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनका। ओके अगला, विजन ऑफ कॉकरोच इज वॉट? मोजैक है क्या? क्या मोजैक विजन है क्या? आइए अगला, कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर कहाँ पर देखने को मिलेगा? काव में देखने को मिलेगा। देखो सिंपल सिंपल सा सवाल है, सिंपल सिंपल सा सवाल है। अगे तो काव में देखने को मिलेगा। अगला, एंटायर क्लास ऑफ फाइलम कोडाटा टू विच द बैट बिलोंग्स? सो बैट जो होता है वो भैया फाइलम कोडाट में मैमल से बिलोंग करता है क्या? मैमेलिया से। अगला, एंटायर द ट्रू कोलन ऑफ द बॉडी कैविटी ऑकर्स? ट्रू कोलन या तो बॉडी कैविटी होता है, जल्दी बताओ। कौन है वो? प्रीटिमा, दैट इज अर्थ वॉर्म, अर्थ वॉर्म। अगला, कौन सा ट्रू फिश है? आइए ट्रू फिश कौन सा है? डॉग फिश है क्या, जिसको हम लोग स्कूल डॉन भी कहते हैं? ये मेरा ट्रू फिश है। ओके मजा आ रहा तो लाइक मार दो यार।
इफ यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस सेशन तो लाइक तो बनता है बाबा, लाइक तो बनता है। अगला एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विद अ प्री एंसाइल टेल। प्री एंसाइल का मतलब क्या, मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की तरह दिखने वाला, वह हिप्पोकैम्पस है क्या। अगला डैश फॉलम इज अ कैरेक्टराइज बाय द एब्सेंस ऑफ ट्रू कोलम। ट्रू कोलन कौन सा है, वो कौन सा है एब्सेंट रहेगा ट्रू कोलन, जल्दी बताइए। वह निमेटोड। ओके इनके पास क्या होता है, सूडो कोलम है क्या, एसी एलिमेंथाइसिस के पास, एसी एलिमेंथाइसिस के पास। अगला ओके कॉलम वन से कॉलम टू, चलो कॉलम वन से कॉलम टू चलिए बताइए। तो सबसे पहले अपने को पूछा लिम्बलेस, ओके वेरी गुड, पहले पूछा लिम्बलेस रेप्टाइल, तो वो आपका स्नेक है क्या, है क्या। जॉलेस वर्टिब्रेट आपका लैम्प्रे। एम्फीबियन कौन सा है, एम्फीबियन सोचो सोचो थोड़ा सोचो सोचिए। सैलेमेंडर है क्या, यस। कार्टिलेजिनियस फिश कौन है, शार्क है क्या, और फ्लाइटलेस बर्ड है आपका ये। सो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है क्या, आइए ऑप्शन थर्ड मारो यार से। आइए फाइंड द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैव द क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलम वेंट्रल हार्ट पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड टू पेयर ऑफ द लिम्स। टेट्रापोड यार मैमल्स बिलोंग करते हैं। ओके अगला एम्फीबियंस कहाँ पर ब्रीड करेगा, वाटर में, सबको पता है रिप्रोडक्शन करेगा वाटर में। अगला निमेटिक बोन्स कौन 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 बताओ यार। पिगन ये आपके एप्स में देखने को मिलता है, जो ये इनको फ्लाई करने में मदद करता है, मजा आ रहा है। अगला ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेटेड अकोलम एग्जिबिटिंग दी बाइलेटरल सिमेट्री ओके प्रोड्यूसिंग बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअली विद ए पैरासाइटिक फॉर्म ओके पैरासाइटिक फॉर्म द अबाउ डिस्क्रिप्शन। ये किसका है, ये किसका डिस्क्रिप्शन है जल्दी बताओ, है क्या प्लाटिया मतलब भैया पैरासाइटिक फॉर्म ने आंसर क्लियर करवा दिया, पैरासाइटिक फॉर्म। अगला Which of the following produces the ecdysones? Okay, ecdysones कौन generate करता है? जल्दी बताओ। Very good. Prothoracic gland. ये molting में मदद करेगा। करेगा? अगला Which of the following is a monogenetic? कौन है monogenetic? सामने है वो है Ascaris. है क्या? है क्या? Because ये फूड एंड वाटर की कंटामिनेशन से फैलता है। ओके अगला सेल ऑफ द मोके मलिस्का इज प्रोड्यूस बाय, जो मलिस्का का जो सेल है वो कैसे प्रोड्यूस है, किससे, क्या वो मेंटल से है, क्या क्या वो मेंटल से प्रोड्यूस है, यस। अगला चूज फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ द वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड कौन है, बर्ड्स है, बर्ड्स होता है और कौन होता है, मेरे मैमल्स होते हैं। अगला ओके व्हिच इज अ डियोशियस एनिमल, डियोशियस एनिमल जल्दी बताइए कौन है, कौन है, कौन है, अरे बोलो यार जल्दी जल्दी जल्दी। ऑरिला है क्या, वेरी गुड, ऑरिला है क्या, ऑरिला है क्या, ओके इनके अंदर सेक्सुअल डैम देखने को मिलता है डेमोर्फिज्म, कोई नहीं ओके मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं। अगला आउट ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स एंड बर्ड डिफर ओनली इन वन कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, क्या क्लियर है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, ओके बर्ड्स मेरा वार्म ब्लडेड है, ओके ओके एंजॉइंग क्या भाई, एंजॉइंग क्या, आइए अगला वेयर डज द स्पर्मेटिशियल पोर ऑफ द प्रिटिमा, मतलब अर्थ वार्म प्रेजेंट है, मैंने बताया है आप लोगों को, मैंने बताया है 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 और 8 to 9, ये मेरे पास क्या सेगमेंट है।
अगला भाई, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ प्रतिमा भैया, मेन काम क्या है कि भैया सॉइल को पोरस करना और फर्टाइल करना है। करना है क्या, क्या करना है क्या? यस, तभी तो इसको अपना फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं ना, तभी तो ये फार्मर्स फ्रेंड कहलाता है। अगला, अगे विच पेयर ऑफ द कैरेक्टर इज प्रेजेंट विदाउट एनी एक्सेप्शन इन ऑल द मैमल्स, ऑल द मैमल्स, जल्दी बताओ। चलिए, वेरी गुड, मेमरी ग्लैंड एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये सारे मैमल्स में, ऑल मैमल्स, प्रेजेंस ऑफ डच द मोस्ट हाईली एडवांस कैरेक्टर इन द क्रोकोडाइल भैया, फोर चैम्बर डार्ट, बिकॉज क्रोकोडाइल तो मेरा रेप्टाइल है और रेप्टाइल में होता है थ्री चैम्बर डार्ट, ओनली मेरा क्रोकोडाइल है जिनके पास फोर चैम्बर डार्ट है। अगला, ओके, अगला, वेज वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग सेट इन द एनिमल क्लासिफिकेशन, कौन सा मैचिंग सेट, मैचिंग सेट बताइए, ऑयस्टर, पीला ऑक्टोपस, कडल फिश, है क्या, है क्या? ओके, बताओ कहां पर आएगा, मॉलिस का मैं डाल दूं इनको उठा के। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैरेक्टर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेनिया सेलेनम, क्या क्या भाई, मजा आ रहा, लाइक तो बनता है ना, आपके 13 मिनट हुआ, हमने 30 सवाल कर लिया। प्रेजेंस ऑफ होप फॉर द एडिशन, बात सही है, एक्सटर्नल डिवाइडेड बॉडी, बात सही है, एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब क्या ऑल ऑफ दिस है क्या? अगला, इन डाइस द सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी इज नॉट रिप्रेजेंटेड, कहां पर देखने को नहीं मिलता है, वो है स्टार फिश, वो है आपका स्टार फिश, आइए, है क्या, वो है आपका स्टार फिश। ओके, यहाँ पर कोई भी सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता, बिकॉज स्टार फिश किससे बिलोंग कर रहा है, एचिनोडर्माटा, एचिनोडर्माटा। अगला, फाइंड एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ द क्लास मेमल्स, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर क्या भैया, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर जल्दी बताओ, प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर डायफ्राम, है क्या? अगला, डायफ्राम रिप्रेजेंट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कोई बताएगा, कोई बताएगा, फोर है क्या, क्या फोर है क्या, ये जो ए है ना मेरा, वो क्या है, वो एट स्टर्नम है क्या, ये जो बी है मेरे पास, वो मेरा एनल, एनल क्रिकस है, जो ये सी है मेरे पास, वो क्या है, 10th टर्गनम है, और ये जो डी, ये मेरा एनल है। अगला, डैश द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ द स्पॉन्जेस, क्या है, प्रेजेंस ऑफ साइनोसाइट, सिंपल सी बात है, या तो कोलार सेल है क्या, बस। अगला, बाय द प्रेजेंस ऑफ डैश फिशेस कैटेगराइज, क्या फेरेंजियल गिल्स, बताओ, डर्मल स्केल्स या पेयर्ड फिन्स, सारे, ऑल ऑफ द अबव, वेयर इज अ डबल सर्कुलेटरी आर्ट इज प्रेजेंट, मैमल्स है क्या, क्या मैमल्स है, नहीं बात गलत है, मैमल्स नहीं है, बर्ड भी है, बर्ड भी है, तो ये करेक्ट होगा, होगा जी, ऑफ कोर्स होगा। आइए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एरियल अडेप्टेशन, कौन सा एरियल अडेप्टेशन नहीं है, गिजार्ड, ये तो डाइजेशन में मदद करेगा यार। अगला, इन द इको लोकेशन विच एनिमल प्रोड्यूसेस द हाई फ्रीक्वेंसी, क्या वो बैट है क्या, क्या वो बैट है क्या, इको प्रोड्यूस करता सोनार, अपन ने पढ़ा है क्या बचपन में सोनार टेक्नोलॉजी के बारे में। अगला, ऑल द मैमल्स है, ऑल द मैमल्स, सारे मैमल्स क्या करते हैं जल्दी बताइए, वो नरिश करते हैं अपने यंग को विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ओके, अगला, चलो कॉलम करो, ऑम्टेडिया क्या है ये, फॉर विजन, ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर क्या बोल रहे हो जी, हाँ ओके, पक्का पक्का,
ये फ्यूज विद द लार्स और टीमर, टीमर के बारे में बात कर रहा है। कॉक्सा, कॉक्सा क्या है? कॉक्सा, कॉक्सा जल्दी बताओ यार। ओके, थोरेक्स का आर्टिकुलेशन और स्क्लेराइट मेरे पास ओके 3 बनाएगा, है क्या? फॉर्मिंग द एक्सोस्केलेटन। सो आपका 2 वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन जी। अगला, चूज अ पेयर फ्रॉम विच द ओके विच इज नॉट अ करेक्टली मैच, नॉट अ करेक्टली मैच। आइए बताइए, बताइएगा क्या मेटामेरिक सेगमेंटेशन मॉलिस्का में देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है? नहीं, ये तो फाइलम एनालिडा का है, ये फाइलम एनालिडास का है। अगला, चूज द इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निमेटोड। इनकरेक्ट 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 जल्दी बताओ। ना ना ना, हर्माफ्रोडिज्म नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगला, क्रोकोडाइल 4 चम्मच, मतलब ये देखो बार बार आ रहा है, ये सवाल बार बार आ रहा है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट करेक्ट, सिंपल सी बात है, सामने दिख रहा है, डक बिल प्लैटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। आर्कोपैक्टिस नहीं होता, रेप्टाइल्स और आपके एप्स का कनेक्शन होता है इसके अंदर, है जो। अगला, एंटीरियर वी स्पॉट, जो वी स्पॉट होता है भैया वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो एक्सक्रीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगला, फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड क्या है? ऑड क्या है? डॉल्फिन। कहां पर मैमल्स को लेकर आ गए? ओके सुनाओ यार, प्रिंसेस उतार सर, सुनो ना, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। हाइबरनेटिक फ्रॉग रिस्पायर थ्रू द स्किन। मजा आ रहा है क्या? देखते ही आंसर समझ में आ रहा है, देखते ही आंसर में टिक कर रहा हूँ। ये एक्चुअल मैंने नीट में किया था, ये पंडा एक्चुअल मैंने नीट में किया है। ओके, प्लैटी एलिमेंट था जो शोज डैश एबसेंस ऑफ बॉडी कैविटी, है क्या? बॉडी कैविटी का एबसेंस यहाँ पर क्या कॉलम है? और एनालिडा मेरा कोलिमिनेट होता है। एंडास नर्व का डू नॉट ऑकर। स्पॉन्जेस, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगला, कौन बायलेटरल सिमेट्रिकल शो करता है बट अ कोलिमिनेट एनिमल? आइए, डैश इज द बायलेटरल सिमेट्रिकल बट अ कॉलम है, बताओ बताइए। लीवर फ्लुक प्लैटी एलिमेंट आइसिस। ओके, कह रहे कि स्लो करने को, स्लो करना है, स्लो करना है। देखो देखो, सारे बच्चे का नीट में सिलेक्शन नहीं होता, मैं कह रहा हूँ फास्ट मूवर जब तक नहीं बनोगे ना, फास्ट मूवर वाले का ना नीट में सिलेक्शन हो जाता है। और ये MBBS करते हैं, और हम लोग है ना अगले साल भी स्लो स्लो करके प्रिपरेशन और ड्रॉपर का टैग लगवा देते बस। आगे बढ़ते हैं। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एनिमल्स विच द करेक्टली मैच विद द काइंड ऑफ देयर बॉडी सिमेट्री। आइए आइए, कौन है वो कौन है? जेलीफिश और स्टारफिश, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है जी, बिकॉज एचिनोडर्माटा में क्या होता है, जो एडल्ट होते हैं ना उनके अंदर रेडियल देखने को मिलता है, और जो लार्वल होते हैं उनके अंदर बायलेटरल। अगे, पैरासाइट कैपेबल ऑफ लिविंग विदाउट द होस्ट, क्या कहेंगे? फैकल्टेटिव कहते क्या? कहते क्या? अगला, इन डैश ऑर्गेनिज्म डज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑकर, कहां पर होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कहां पर होगा? आइए आइए, तो एम्फीबियंस और अल्गे में होगा जी। यस यस, क्या कह रहे हो? यस हाँ जी, इनका गैमेटिक फ्यूजन होता है एक्सटर्नली, गैमेटिक फ्यूजन। ओके, अगला, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास द लार्जेस्ट एनिमल बिलोंग। लार्जेस्ट एनिमल क्या मैमल से? क्या क्या मैमल से? क्या जल्दी बताओ। यस यस यस,
ओके, वेल आता है ना यहाँ पर, वेल वेल वेल, पॉर्चुगल मैन वॉर। अरे बताओ यार, पैसे लिया है क्या? अगला, वेज मैमलाजेस कॉटल टेस्टिस, कौन है? मैंने क्या क्या मैंने क्या, जल्दी बताओ। यस, मजा आ गया रहेगा। ऑप्शन अगला, चूज द करेक्ट सेट ऑफ द पर्दी क्लासिफिकेशन, करेक्ट सेट एज पर दी क्लासिफिकेशन। आइए बताइए बताइए, देखो पीला डंडेलम ऑक्टोपस, मलुस्का में डाल दिया। अगला, फिशेज आर पोइकोथर्मिक है भैया, वार्म ब्लडेड कि कोल्ड ब्लडेड, जल्दी बताओ। वार्म ब्लडेड की कोल्ड ब्लडेड, जल्दी 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 भाई साहब, वार्म नहीं कोल्ड ब्लडेड होता है। अगला, जूलॉजिकल नेम ऑफ द इंडियन क्रेट क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है? ओके, बंगारी स्कोरलस। डैश मैमल लेज दी एग, प्लैटीपस एग देता है। क्या स्पीड है यार। अगला, इनवॉल्व एक सिमेट्रिकल कैसा देखने को मिलेगा? स्पेरिकल देखने को मिलेगा, बिकॉज कॉलोनी बनाता है ये। डैश द सेल दैट बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड, ओके, डैश एस कॉल द बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, कौन थे वो कौन थे वो? जल्दी बोलो यार जल्दी। हाँ जी, हगजल ने बोला था। राना टिग्रानम किसका नाम है, फ्रॉग का नाम है? इन विच द फॉलोइंग फाइलम द ट्रू कोलम इज एबसेंट, किसमें ट्रू कोलम एबसेंट रहता है? वो निमोटोड, एसिया लिमेंटाइसिस। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल एग्रीगेट अ बॉडी प्लान फाउंड, ओके, बॉडी प्लेन फाउंड, जल्दी बताइए कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर? पॉलीफेरा। बच्चों जल्दी कराना मेरे को यार, ऐसा नहीं कि मेरा टाइम, मेरे को जाना है किधर, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। मैं चाहूँ तो आराम से भी कराऊंगा, देखो आराम से करूँगा तो मैं आधे लोग को नींद आ जाएगा। फास्ट, जितना फास्ट रहोगे उतना ज़्यादा तुमको भैया प्रिपरेशन में, देखो बायोलॉजी में ना सिर्फ प्रैक्टिस ही मैटर करता है बस, ज़्यादा अगर प्रैक्टिस हो गया ना तो फास्ट ही होगे, तुम कभी स्लो नहीं होगे। ओके, इसी बात पर सभी लोग लाइक चमका दे बस। ओके, लाइक सभी लोग को चमका देना है। अगला, हाइड्रा क्या है, हाइड्रा क्या है? ये है कार्निवोरस। रेप्टोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहाँ पर देखने को मिलता है? कैपलिनो को डाटा में देखने को मिलता है क्या? ना, नहीं, यूरिको को डाट में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है? डी जनरेशन होता है, डी जनरेशन ऑफ लार्वा बाय अडल्ट। चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एन ऑर्गेनिज्म और क्लासिफिकेशन, करेक्ट सीरियली, क्योंकि एचिनोडर्म का टाइप है। ओके, अगला, जॉज आर प्रेजेंट इन, जॉज आर प्रेजेंट इन क्या फिश में होता है क्या? यस। अगला, इन बींग डैश डैश स्पॉन्जेस कोलन सिंड्रे, जो हर एक में रिजेंबल करेगा, जल्दी बताइए क्या रिजेंबल करेगा ये क्या रिजेंबल कर रहा है? डिप्लोब्लास्टिक और आ कोलम है क्या? डैश आर द एनिमल डिवाइड ऑफ रेस्पिरेटरी, सिंपल जो बताए, एक्सक्रेटरी और सर्कुलेटरी, इनके पास नहीं होते हैं। कलर ऑफ द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म्स आर ब्राउन, बिकॉज ऑफ ब्राउन क्यों है? बिकॉज ऑफ पॉलीफेरिन का प्रेजेंस है क्या? देखो सारे लोग इतना स्पीड नहीं मैनेज कर पाएंगे, ये स्पीड सारे लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आधे से ज़्यादा लोग चले गए हैं, आधे से ज़्यादा लोग चले गए। और भाई साहब जो सोच रहे जाने के लिए ना, वो चले जाए, नीट नहीं बन जाएगा, नीट फिर तुम लोग के लिए नहीं बना होगा। नीट बच्चे बच्चे हैं, 16 लाख बच्चे बैठे हैं, ओके, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ डैश इज अ ट्यूबफिट, ट्यूबफिट जल्दी बताओ, ये क्या स्टार फिश है क्या? स्टार फिश है क्या जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करेगा? कौन से करेक्ट कॉम्बिनेशन है जल्दी बताओ जी? एनालिडा और पॉरीफेरा, ये फाइला होता है। अगला, हार्ट पंप द इम्प्योर ब्लड इन द केस ऑफ, इन द केस बोलो
शार्क है क्या? शार्क है क्या? इनके पास टू चैम्बर डार्ट है। ओके, टू चैम्बर डार्ट भैया। कहाँ पर बर्डिंग मेथड देखने को मिलता है? बर्डिंग, बर्डिंग हाइड्रा, बर्डिंग हाइड्रा इन पिटनी में भैया। देर इज अ रेड कलर्ड राउंड बॉडी इन द फोर्थ टू फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट अबाउट द एलिमेंट के नाल। दे आर बिलीव्ड इन इन्वॉल्व इन वॉट? ल्यूकोसाइट का प्रोडक्शन, बिकॉज इन्होंने रेड कलर्ड बोल दिया है ना, रेड कलर्ड, रेड कलर्ड। ओके, समझ में आया क्या सवाल? समझ में आया क्या? फाइंड द मैमल विद अ ट्रू प्लासेंटा। कौन, मंगूस लोग है? मंगूस। वर्टिबल कॉलम इज ऑब्टेन फ्रॉम? नोटोकॉर्ड। आइए जल्दी बताइए, आइए जल्दी बताइए। ओके, लैग हो गया क्या? थोड़ा लैग हो गया रहेगा, थोड़ा लैग हो गया, थोड़ा सा, थोड़ा सा। आइए ना बन गया, एक मिनट में इसको ठीक कर देता हूँ। एक मिनट रुक जा बच्चों, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके, एक मिनट। ना फाइन, ना फाइन गाइस। अब एकदम बढ़िया है क्या? अगला, अगला। वेच ऑफ द फॉलोइंग वेर इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा। क्या मॉलेज का मेरा स्यूडो कॉलमिनेट होता है? नहीं 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 स्यूडो कॉलमिनेट कभी नहीं होता, ये ट्रू कॉलम इनके पास प्रेजेंट है। अगला, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ ममेलियन बॉडी। क्या? प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। अगला, अगला ना पाइन बच्चों, ना पाइन जी, ना पाइन जी। अब एकदम बढ़िया है क्या? अब एकदम बढ़िया है। फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग बेसिस नॉट अ विवीपरस। कौन सा विवीपरस नहीं? आइए, तो वो है मेरा प्लाटिपस है क्या? एक मिनट यार बच्चों, क्या हो गया है? एम आई ऑडिबल क्या? ओके चलो, ना पाइन जी, ना पाइन। ओके ना पाइन जी, चलो अगला। हाइड्रा रिप्रोड्यूस थ्रू दी एंसेस्टमेंट होता है क्या? होता है क्या? आइए, वेच एनिमल्स आर डिवॉइड ऑफ रेस्पिरेटरी? स्पॉन्जेस। सब जानते हैं। आइए आइए आइए। कुछ नहीं यार बच्चा, पता नहीं यार थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ओके, अभी सब ना पाने यार। चूज अ स्यूडो सेल्स। कौन है स्यूडो कॉलमिनेट? कौन है, कौन है? हुक वॉर्म, जेली फिश, लीवर फ्लूक या लीच? जल्दी बताइए जल्दी। हुक वॉर्म है क्या? हुक वॉर्म। स्पॉन्जेस आर पॉरीफेरा एज देयर बॉडी एज वॉट? सेवरल वॉज स्पिक्यूल्स आर केनाल सिस्टम्स ऑफ ऑल ऑफ दिस। इन डैश हेलिकल एक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट। एक्स ऑर्गन कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पर है जल्दी बताइए। तो मेरे क्रस्टेशिय में है क्या? स्किन एक्सचेंज के लिए काम करे। अगला, इन डैश बोन मैरो डज नॉट ऑकर। कहाँ पर बोन मैरो नहीं होता? बात आइए, इनके पास निमाटिक बोन्स होते हैं ना।
निमेटिक या तो हॉलो बोन है ना। अगला अगला, इन दी अर्थ हम पेयर ऑफ जिनेटल पेपिला ऑकरिंग, कोई बताएगा पेयर? 17, 18। और आखिरी में स्टार फिश, जेली फिश और डेवी फिश और कटल फिश। आइए कीजिए मैथ कॉलम, क्या होगा? एक ये होगा मेरा एस्ट्रो, जेली फिश मेरा क्या होगा? अरिला, डे फिश मेरा क्या होगा? ऑक्टोपस, और कटल फिश मेरा सीपर है। क्या है क्या, जल्दी बताइए। यस, तो मजा आया गाइस। 30 मिनट्स, 90 क्वेश्चन। मैंने तुमसे वादा किया था 30 मिनट में 90 सवाल। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था 30 मिनट 90 सवाल। प्रॉमिस मैंने पूरा कर लिया। आइए आइए, मैंने प्रॉमिस पूरा कर लिया। हो गया प्रॉमिस पूरा? इसी बात पर सभी लोग लाइक मार देंगे। तो क्या अभी क्लास आपकी 2 बजे भैया, मैंने वापस रखा है ब्रीथिंग एक्सचेंज एंड गैसेस, बिकॉज कल बहुत ज़्यादा लैग हुआ था ना, कल बहुत ज़्यादा लैग हुआ था ना ब्रीथिंग एक्सचेंज एंड गैसेस में, तो मैंने आज वापस रखा है। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है जी। अगे सब मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए बस इतना ही गाइस। ओके थैंक यू, ओके जय हिंद गाइस, ओके बाय जी, बाय 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 बाय।